राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू पिटीशन रद्द करने और राहुल गांधी पर विपरीत टिप्पणी करने को भाजपा ने मुद्दा बना लिया है। कैथल जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विधायक लीलाराम गुजर, जिला अध्यक्ष अशोक गुजर और नरेश ढांडा की अगुवाई में प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता जवाहर पार्क में इकट्ठे हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक संवाद करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। बाद में भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पेहोवा चौक पहुंचे और राहुल गांधी का पुतला फूंका। विधायक लीलाराम गुजर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि चौकीदार चोर नहीं प्योर है। आइए पहले प्रदर्शन की कुछ झलकियां देखते हैं, उसके बाद भाजपा नेताओं की बाइट सुनेंगे। हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता में रोष है कि इन कांग्रेसियों ने जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी जिस प्रकार से अपमानित करने का काम किया, उसको देखते हुए पूरे हिंदुस्तान की जनता ने यह फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाए, उनके पुतले फूंके जाए। उसी के तहत आज हमने राहुल गांधी का पुतला फूंकने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ धरना दिया है, प्रदर्शन। क्या मानते हैं? उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी चोर नहीं प्योर है। याचिका दोबारा से डाली गई थी, उस पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्पष्ट शब्दों में बात कही है कि जो भी राफेल सौदा हुआ था वो साफ पाक और सुथरा हुआ था और प्रधानमंत्री जी को फिर से उन्होंने प्योर, जैसा कि विधायक जी ने कहा, प्योर बताने का काम किया जनता के हित में। भारत माता के सच्चे लाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो दिनों रात से केवल और केवल देश के लिए जागते हैं, काम करते हैं, उन्होंने फिर से इस बात को साबित किया है कि जो उन्होंने वो सौदा किया वो केवल और केवल देश की रक्षा के लिए करने का काम किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राफेल डील के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।